हेल्थ इंडस्ट्री अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां साल का अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस कर रही हैं। इससे यही साबित होता है कि हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं, युवा रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा फव्वारा है, एक ऐसा फाउंटेन है जो एक ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल पैदा कर सकता है जिससे हम युवा भी रहें और सुंदर भी दिखे। दोस्तों, ये होने के बावजूद बहुत से लोग बाहर से इस केमिकल की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। 11 से 12% युवा ही इस हार्मोन की, इस रसायन की गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे आप सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करके बहुत आसानी से अपने ही भीतर के इस फव्वारे को चालू कर सकते हैं और हमेशा सुंदर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस रसायन को कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से ही जाहिर है, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला हार्मोन। यह हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों को बढ़ने के लिए, हमारी हाइट को बढ़ने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर को मसल्स को पावर देने के लिए और हमारी स्किन को, स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए सपोर्ट करता है। अब जब हम इस हार्मोन को भीतर पैदा ना करके बाहर से इसकी पूर्ति करने लग जाते हैं तो हमारा शरीर आलसी हो जाता है, फिर हमारा शरीर इस रसायन को पैदा नहीं करता है। और जब ऐसा होता है तो हमें मजबूरी में भी बाहर से ही इस हार्मोन को लेना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो दोस्तों, टेस्टिस एट्रोफी नामक बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे टेस्टिस का साइज कम होने लग जाता है, इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता तक हो सकती है। इससे हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। और एक और बात बता दूं कि यदि बॉडी के अंदर इंसुलिन का स्तर बढ़ने लग जाता है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम होने लग जाता है या ये बनना बंद हो जाता है। जब हमारी हाइट पूरी तरह से बढ़ जाती है तो HGH हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है या उसका स्तर घटने लग जाता है। अब जब इसका स्तर घटने लग जाता है तो हमें बुढ़ापा आने लग जाता है। बुढ़ापा क्योंकि शरीर के अंदर HGH की कमी हो गई। अब जब बुढ़ापा आता है तो मेमोरी और फोकस भी कम होने लग जाते हैं, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम हुआ जिससे मेमोरी, फोकस कम हुआ और बुढ़ापे के संकेत साइंस बॉडी में आने शुरू हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा वो फायदे जो अगर हमारी बॉडी में HGH पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, अच्छी क्वालिटी में बन रहा है, तो क्या फायदे हमारे शरीर को होते हैं। सबसे पहला, ये हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हमारी हड्डियों की ग्रोथ, हमारे मसल्स की ग्रोथ, हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारी स्किन की ग्रोथ, हमारे स्किन पर जो ग्लो है, चमक है, वो सब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सपोर्ट की वजह से। दोस्तों, दूसरा है कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। तीसरा, कई बार हम तनाव के अंदर अपने मसल्स को बर्न करने लग जाते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटी से अपने मसल्स को जलाते हैं। उस समय अगर हमारी बॉडी में HGH पर्याप्त मात्रा में है तो वह हमारे मसल्स को स्पेयर करके हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न कर देता है। चौथा, लाइपोलाइसिस, यानी यह हमारी बॉडी के अंदर फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चौथा, यह हमारे बॉडी के अंदर ओल्ड एज को आने से रोकता है, कंट्रोल करता है, ओल्ड एज के जितने भी संकेत हैं। अगर हमारी बॉडी में हम एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं जिससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बन रहा है तो हम लंबी आयु जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। लगभग सभी बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे शरीर में HGH कम हो रहा है, घट रहा है या नहीं बन रहा है। अगर हमारे शरीर में HGH का स्तर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स का नंबर भी अच्छा रहेगा। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सिनेप्सिस हैं, जिस माध्यम से ब्रेन सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, जिससे हमारी इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी अच्छी रहती है। अगर दोस्तों हमारा मूड खराब हो रहा है, बार बार मूड खराब हो रहा है, हमारी मेमोरी, हमारा फोकस कमज़ोर होता जा रहा है, दैट मीन्स
हमारी शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम हो रहा है या वो नहीं बन रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो सब तरीके जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपने शरीर के अंदर इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बना सकते हैं, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में। तो पहला है फास्टिंग, व्रत। हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे कि फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के व्रत यानी फास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया। परंतु आज का जो फास्टिंग है उसने एक अलग ही रंग रूप धारण कर लिया है। तो फास्टिंग मीन्स 24 आवर्स, 24 घंटे तक भूखे रहना, 24 घंटे की फास्टिंग करना, और इससे कितना अधिक मात्रा में आपके शरीर में HGH बनता है वो मैं आपको बताता हूं। वो है 2000% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है आपके शरीर में यदि आप एक बार 24 घंटे का फास्टिंग करते हैं दोस्तों। दूसरा है इंटेंसिव एक्सरसाइज। वो है कि यदि आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, और जब आपको लग रहा है कि आप अब थक गए, उसके बाद कुछ थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, तो वहां पर 700% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में बनता है दोस्तों। नेक्स्ट इज कि आप अच्छी क्वालिटी स्लीप लें, क्योंकि 85% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी नींद के दौरान बनता है। अब नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाना नहीं है दोस्तों, डेल्टा लेवल की स्लीप जिसमें बिल्कुल स्वप्न रहित निद्रा में आप गहरी निद्रा में एक रेस्टोरेटिव स्लीप में चले जाते हैं, तो उस समय 85% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में बनता है। फिर दोस्तों अपने शरीर में इंसुलिन के स्पाइक को कम करें, क्योंकि यदि इंसुलिन का स्तर बढ़ेगा तो HGH कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन को कम करें, समय पर भोजन करें, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को लेना बंद करें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल के स्तर को कम करना। कॉर्टिसोल वो रसायन है कि जब हम सर्वाइवल मोड में हैं, जब हम बहुत अधिक तनाव में हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल निकलता है। उस कॉर्टिसोल को कम करें, तनाव में रहना कम करें, खुश रहें, हैप्पीनेस हार्मोन्स को बनाएं, हैप्पीनेस हार्मोन्स की डोज को अपने शरीर में सीक्रेट करें, क्योंकि यदि कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपके शरीर में इंसुलिन भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो HGH कम होगा। नेक्स्ट इज कि अगर आप कभी कभी ब्रेकफास्ट न करें, अब कहा जाएगा कि रात का गैप है, ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, परंतु ब्रेकफास्ट ना लें जिससे आपके शरीर में HGH बने, पैदा हो जाए, ऐसा वातावरण बने कि वो HGH बनाए। बिकॉज जब रात के समय आपने स्लीप के दौरान HGH को बनाया और सुबह उठते ही आपने खाना खा लिया और फिर से इंसुलिन के स्तर को बढ़ा लिया, तो वो HGH नष्ट हो जाएगा। इंसुलिन बढ़ा, HGH कम हुआ। इसलिए ब्रेकफास्ट कभी कभी स्किप करें, यहां तक कि नारियल पानी भी पीना है तो थोड़ा सा पानी मिला करके पिए कि बॉडी को पता ना चले आपने कुछ पिया और इंसुलिन ना बढ़े, जिससे आपके शरीर में अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी में HGH बने और आप अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सके। अंदर से ये केमिकल आपके एक एक मसल, एक एक हड्डी को ताकत दे सके। नेक्स्ट इज कि आप सोने से बिल्कुल पहले ही खाना खा कर ना सोए, नो बेड टाइम फूड। कारण यह है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, अब नींद के दौरान आपको HGH की डोज मिलने वाली है, परंतु आपने अभी अभी खाना खाया तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आपका HGH रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज लाफ्टर। लाफ्टर को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लें दोस्तों, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, क्योंकि लाफ्टर से आपके शरीर में एक रसायन पैदा होता है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर है, बेस्ट क्वालिटी पेन किलर है, जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, आपके अंदर बन रहा है। परंतु यदि आप हंसेंगे नहीं, या हंसने का मतलब है केवल अपने गाल यूं करके एक हल्की सी स्माइल देंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। हंसने का अर्थ है दिल से हंसना, अंदर से हंसना, ठहाके मारकर हंसना। इस बारे में मैं पहले भी बहुत सी वीडियोज आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बहुत बार इस विषय पर बात कर चुका हूं। तो दोस्तों हंसे ताकि खूब एंडोर्फिन आपकी बॉडी में बने, फिर अपने अंदर मेलाटोनिन की क्वालिटी को बढ़ाएं, रात को समय पर सोने का प्रयास करें, और जब सोएं तो लाइट ऑफ करके इवन मोबाइल की लाइट को, टॉर्च को भी अपने आप से दूर रखें, क्योंकि अंधेरे में ही हमारा जो पाइनियल ग्लैंड है, पीनियल
ग्रंथि है वो मेलाटोनिन का निर्माण करती है। मेलाटोनिन नींद की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला रसायन है। मेलाटोनिन को स्पिरिचुअल हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए मेलाटोनिन बढ़ेगा तो HGH भी बढ़ेगा और आप संपूर्ण स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे, अपनी उम्र से कई साल छोटे युवा होंगे। युवा दिखेंगे वो एक अलग बात है, वो तो दिखेंगे ही, परंतु युवा उस यौवन को, उस बल को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को अंदर तक फील करेंगे दोस्तों। इसलिए इस मुफ्त के प्रसाद को, इस मुफ्त के रसायन को जो आपको संपूर्ण बल, शक्ति, ताकत, स्वास्थ्य दे रहा है, इसको अपने भीतर निरंतर बहता रहने दें। यह ऐसा फव्वारा है, यह ऐसा फाउंटेन है जो लगातार ऐसे केमिकल को बना सकता है जो आपको हमेशा सुंदर, बलवान और युवा रखता है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये अवश्य करें, लेकर के आए। और इस वीडियो को लाइक बेशक ना करें, परंतु औरों के साथ साझा जरूर करें ताकि औरों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और वो भी जी सकें एक सुंदर स्वस्थ जीवन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं और भी अच्छा कंटेंट आप तक लाने के लिए। धन्यवाद। आनंदित रहिए।